एवरीवन, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉकेट पिज्ज़ा की रेसिपी लेके आए हैं। पॉकेट पिज्ज़ा कैसे बनता है आइए हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम पनीर पॉकेट पिज्ज़ा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए देखते हैं क्या क्या सामान लगता है। देखिए, हमने एक बड़ी कटोरी हमने सूजी लिया है, एक छोटी कटोरी हमने दही लिया है, और हमने बाइंडिंग के लिए आधा छोटी कटोरी हमने आटा लिया है बाइंडिंग के लिए। चलिए इसका हम डो तैयार पहले कर लेते हैं। बड़े बर्तन में हमने सूजी को ट्रांसफ़र कर दिया है, हम इसमें दही ऐड कर देंगे, कर लेंगे। हाथों से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक छोटी चम्मच हमने नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमने जो आटा बाइंडिंग के लिए लिया था इसे ऐड कर देंगे, और हम सभी का एक डो तैयार कर लेंगे अच्छे से मिला के। हमें फ्रेंड्स पानी ऐड नहीं करना है, हमें दही में ही पूरा आटा को गूंथना है। आप इसे मैदा में भी बना सकते हैं। देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 kg दूध लिया है, दूध को हमने फाड़ लिया है, और फाड़ के हमने उसका पनीर बना लिया है। देखिए, इसे हम क्रश कर देंगे अच्छी तरीके से, हाथों से हमने क्रश कर दिया है। आप बाज़ार से भी पनीर ला के आप इसका बना सकते हैं, पनीर पॉकेट पिज्ज़ा। देखिए, इसमें हम 1 कटोरी चीज़ डालेंगे, चीज़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चिली फ्लेक्स डाल देंगे, अब जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उतना ही डालें। एक छोटी चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हमने हरा धनिया बारीक काट लिया है, इसे ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च हमने एक बारीक काट लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। एक गाजर को हमने कस कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। एक प्याज हमने बारीक काट लिया है, प्याज ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे, और 1 छोटी चम्मच हम ऑरिगैनो डाल देंगे। सभी को मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है, इसे हम साइड कर देते हैं। देखिए, हमारा डो भी आधा घंटा हो चुका है, और ये थोड़ा सख्त हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम सॉफ्ट इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से इसका लचीला डो हम तैयार कर लेते हैं। इसमें हम धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड कर देंगे। हम इसमें ऑरिगैनो डाल देंगे। और अच्छे से इसे पहले हम मिला लेते हैं। हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे अच्छे से पंच कर लेंगे।
देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसका हम पॉकेट बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए पॉकेट बनाने के लिए हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। और एक हमने लोई लिया है, इसे गोल करते हुए इसे हम रोटी जैसा बेलेंगे। थोड़ा सा आटा लगा के देखिए हमने गोल बेल लिया है। ऐसे हम चारों तरफ से कट कर देंगे, हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे। देखिए हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है और इसे हम बीच से कट कर देंगे। देखिए इस तरीका से। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। इसमें हमने स्टफिंग भर दिया है और हाथों से अच्छे से दबाते हुए और इसे हम पॉकेट इसका तैयार करेंगे। इधर से हम पैक कर देंगे, सील कर देंगे और हम इधर से भी कर देंगे हाथों से दबाते हुए और इधर से भी कर देंगे। देखिए हमने पॉकेट तैयार कर लिया है। अब इसमें हम फॉक की मदद से इसमें प्रेस करेंगे दबा दबा के। देखिए हमारा पॉकेट तैयार हो गया। इसी तरीके से हम सारे पॉकेट बना लेंगे। देखिए और इस तरीका से हम साइड से फिर प्रेस कर देंगे फॉक से। देखिए इसी तरीका से हम सारा पॉकेट तैयार पहले कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम चारों तरफ से प्रेस करके एक ठो बनाएंगे। देखिए हमने एक ठो में आपको एक तरफ से बताया था, अभी हम चारों तरफ से इसमें पॉकेट में प्रेस करेंगे। ये देखिए और इस तरीका से भी हम बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा पॉकेट। एक ठो और दिखाते हैं। इसी तरह स्टफिंग हम भर के इसे चारों तरफ से फॉक से प्रेस कर देंगे। देखिए देखिए अब हम चलिए तलने की तैयारी करते हैं। देखिए हमने पैन में तेल डाल दिया है, हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब सभी पनीर पॉकेट को हम डाल देंगे और हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। देखिए हमारा पनीर पॉकेट पूरा ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा पनीर पॉकेट पिज्जा बनके तैयार है। हमने जो पनीर में जो चीज़ डाला है वो मेल्ट होने पे इसका स्वाद इतना बढ़ जाता है कि पूछिए मत। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी पनीर पॉकेट पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और पहले से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।